हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका रसोईये खास में। आज हम बनाएंगे उत्तर प्रदेश का जायका फरे। फरे की फिलिंग बनाने के लिए आपको चाहिए एक कटोरी उड़द दाल, जिसे मैंने 4 से 5 घंटे के लिए भिगोकर पीस लिया है, अदरक, हरी मिर्च, धनिया, गरम मसाला और नमक। डो बनाने के लिए एक कटोरी आटा, नमक और मोयन के लिए तेल। अब एक बाउल में फिलिंग की सारी सामग्री डाल दें और अच्छे से मिक्स कर लें। जब तक हम ये फिलिंग रेडी करते हैं, आपके लिए एक किचन टिप। चावल में अक्सर कीड़े लगने का डर बना रहता है, तो अब क्या किया जाए? अगर हमें चावल को ज़्यादा दिन तक रखना है, तो हर 1 किलो चावल में 1/2 छोटा चम्मच बोरिक पाउडर डाल दें। इसी के साथ हमारी एक तरफ फिलिंग रेडी हो गई है और दूसरी तरफ आटा भी गूंथ के रख लें। थोड़ी बड़ी लोई लें और उसे रोटी के जैसा बेल लें। क्या आपने कभी सोचा कि एक तरफ हम चावल को कीड़ों से बचा रहे हैं, पर चावल का इस्तेमाल भी किसी चीज़ को स्टोर करने के लिए हो सकता है? हाँ जी, आपने सही सुना। अगर आप चावल के कुछ दाने नमक के डिब्बे में डाल दें, तो नमक में कभी नमी नहीं आएगी। है ना ये काम की टिप? तो चलिए, अब वापस हम अपनी रेसिपी की ओर चलते हैं। अब जो फिलिंग रेडी करी है, वो आटे के एक तरफ रखें और किनारों पर पानी लगा के अच्छे से बंद कर लें और गुजिए का शेप दे दें, कुछ इस तरीके से। अब हम एक तरफ भगोने में पानी उबलने के लिए रखेंगे। जैसे ही पानी उबल जाए, इसमें 1 चम्मच तेल डाल दीजिएगा और एक एक करके फरे डाल दें। फरे जब उबल कर ऊपर आ जाएं, तो समझ लीजिए कि पकने शुरू हो गए हैं। 5 से 7 मिनट अब इसे ढक के पका लें। अब ढक्कन खोलें और फॉर्क या चाकू की मदद से ये देख लें कि फरे पक गए हैं या नहीं। अगर चाकू साफ निकल आता है, तो फरे पक गए हैं, और अगर ऐसा नहीं होता, तो थोड़ी देर और इसे ढककर पका लें। अब फरे निकाल लें और ठंडा होने दें। जब फरे ठंडे हो जाएं, तो इन्हें कट कर लें। तो लीजिए, बहुत ही टेस्टी बॉइल्ड फरे तैयार हैं। हम इसको हरी धनिया की चटनी के साथ मज़े से खा सकते हैं। अब फरे सर्व करने का दूसरा तरीका। आप फरों को डीप फ्राई कर सकते हैं और इस पे चाट मसाला छिड़क कर सर्व कर सकते हैं। है ना कमाल का तरीका? अब हम चलते हैं तीसरे तरीके में, पर उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप अभी कर दीजिए। अब तीसरे तरीके के लिए आपको थोड़ा सा तेल लेना है, उसमें जीरा डालना है और थोड़ी सी प्याज। इसे अच्छे से भून लें। अब इसमें बॉइल्ड या फ्राइड फरे डाल दें। फिर इसमें नमक, लाल मिर्च और चाट मसाला ऐड करें और इसे अच्छे से मिक्स कर लें। और तैयार है आपके मसालेदार फरे।
तो है ना ये 3-in-1 रेसिपी, एक ही बार में आपके बॉइल्ड, फ्राइड और मसालेदार फरे तैयार हैं। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमें ऐसी रेसिपीज़ बनाने के लिए मोटिवेट करते रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।